बेटी आपकी भी है, एक बेटी मेरी भी है, और जिस तरीके से कई बार एक चिंता रहती है एक पिता को लेकर कि बेटियां जो हैं हमारे रायपुर शहर में सुरक्षित रहें, वास्तव में रायपुर जो बहुत खूबसूरत शहर है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सोचा है आपने? देखिए साहब, ये इसके लिए बेटी लोग को आज तो आपको आत्मनिर्भर बना, सेल्फ डिपेंड में आपको उनको बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी बेटी को एकदम अपने बेटे के जैसे रखा है। जी जिस दिन आप अपनी बेटी को अपना बेटा समझेंगे, उस दिन आपको किसी सुरक्षा को का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे एक दोस्त बन के, एक यार बन के, उनका फ्रेंड बन के जिस दिन आप उनके साथ में रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिर उनको किसी भी प्रकार के कोई भी उनको छेड़ सकता है या उनके साथ कोई छिड़कानी कर सकता है। तो बिल्कुल मैंने अपनी बच्ची को, मेरा और भी लोगों से ये अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से, कि अपनी अगर आपके घर में आपकी बच्ची है तो उससे आप अपना एक दोस्त बन के रहिए। वो उसको देखिए कि वो कहाँ पर क्या वो कर रही है, एकदम उससे दोस्त जैसे बिहेव करिए, एक दोस्त बन के, जैसे आप अपन लोग अपने घर में अपने दो बाहर में जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं। जिस दिन ये दोस्ती का बाप बेटी का रिश्ता बन जाएगा, उस दिन बच्ची अपने आप सेल्फ डिपेंड हो बिल्कुल जाएगी। सही कह रहे हैं तो मेरा यही वो है कि बच्चों से आप अच्छा दोस्त बन के व्यवहार करिए। जी। बाकी जहाँ तक के सुरक्षा की बात है, हम हर तरफ लगातार इसमें हम कर ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिसिंग हो, सुरक्षा उनको बाकायदा उनको मिले। मगर इनसे ज़्यादा ये है कि बच्ची जब अपने आप उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं एकदम कोई सिर्फ, मतलब मैं एक महिला नहीं हूँ, मैं एक नागरिक हूँ इस शहर की, और मतलब मेरे ऊपर महिला वाला कोई किताब नहीं है। जैसे मैंने अपनी बेटी को वैसे ही रखा है कि बेटा देख, कहीं पर भी कुछ ये आएगा तो आप तो ये मत सोचना कि मैं महिला हूँ, अगर कोई बदमाशी करता है तो धाड़ दे देना, जरा सा भी बिल्कुल उन्हें ठीक लगना कह नहीं रहे चाहिए। हैं। जिस दिन ऐसा होगा बेटा, तो हमने ऐसी अपनी बच्ची को ट्रेनिंग दी, बाकी लोगों को भी ऐसी ट्रेनिंग देना चाहिए देना चाहिए जिससे जो महिला अपने आप सेल्फ डिपेंड होगी। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।